अरे काजू जल्दी रेडी हो जाओ, अपन लेट हो रहे। जी मैं रेडी हो गई। रेडी हो गई? अरे तुमने ये किसके कपड़े पहन लिए? तुम्हारे पास खुद के कपड़े भी है? है ना, ये मेरे ही है, लेकिन आज ये फट गया। ये एक ही नई ड्रेस है तुम्हारे पास, और उसकी भी ये हालत? नहीं तो दिवाली पे तो बनवाया था। ए भगवान, काजल दिवाली को गए 1 साल हो गया है। ये वाली नहीं, पिछली वाली दिवाली। उठो चलो। किधर? चलो तुमको उठने को बोला ना। उठ गई। ये जूती तुम्हारी है? ये मेरे अपने। ठीक है चलो। जिस लड़की ने अपने माँ बाप के घर गरीबी देखी है, वो अपने पति से कभी महंगी चीजें नहीं मांगती। अक्कू तुम बहुत बदल गए हो, तुम मेरा काम ही नहीं सुनते हो, पूरे काम चोर हो चुके हो। भाभी मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम हर वक्त मुझे काम बताते रहते हो। हे भगवान, आज सूरज कहाँ से उग गया जो ये दोनों लड़ रहे हैं? मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। हाँ हाँ मुझे भी नहीं करनी। हे भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं, यही मौका है आग में घी डालने का। छोटे मैं तुझे बोल रहा था ना, तेरी भाभी एक नंबर की जल्लाद है। अब तू टेंशन मत ले, तेरा भाई आ गया है, अपन दोनों मिलकर उसको घर से भगा देंगे। अब आएगा ना मजा। बेबी मैं तुम्हें कहता था ना, मेरा भाई एक नंबर का निकम्मा है, पर तुम का सुनती थी। अब मैं बोलता हूँ, तुम मेरी बात सुनो, अपन दोनों मिलकर उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते, सड़ेगा वहाँ। सच में बहुत मजा आ रहा है। तुम लोग क्या देख रहे हो, पहले पूरी सच्चाई जान लो उसके बाद बताना। भाभी अपन ना शॉर्ट वीडियो बनाते लड़ाई वाली। मुझे बोर्डिंग स्कूल में डालोगे? अच्छा मैं जला दूँ? अरे नहीं यार, गलती से मुंह से निकल गया, मैंने कहा जलती आग में हाथ डाल दिया। ए भगवान क्या हो गया अब? सुनिए आप बड़े दिनों बाद वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर जाना, और गाड़ी में संभल कर बैठना, और गाड़ी से बाहर हाथ मत निकालना, और कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना। ये मेरी बीवी को क्या हो गया है? और ये लो तुम्हारे कुछ खर्चे के लिए। क्या बात है, आज मांगने वाला खुद दे रहा है। भैया मैंने आपके जूते भी साफ कर दिए, अब आप संभल कर जाना। ए भगवान क्या हो गया मेरे भाई को और मेरी बीवी को? संभल कर जाना। ठीक है मैं चलता हूँ। सुनो मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, तुम मेरे मायके जा रहे हो तो थोड़ा तमीज से रहना, वहाँ हर किसी से लड़ने मत लग जाना, वो मेरे माँ बाप का घर है। अच्छा तो इतनी खातिरदारी इसलिए कर रहे थे, साला भाभी का चमचा। वहाँ इज्जत से रहना। अच्छा सुनो, ये भी तो मेरे माँ बाप का घर है, पर तुमने तो इसको अखाड़ा बना कर रखा है। अच्छा ज्यादा बोल रहे हो, अक्कू पकड़ो इनको, जाने मत दो, पकड़ो इनको, जाने मत दो। अरे जाने दो मुझे, मैं वहाँ सुखी से रहूंगा, छोड़ो। बाबू अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम बताओ ना। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे बताओ ना। अरे नहीं बाबा नहीं। अरे अरे भैया बताओ ना, मुझे भी जानना है। नहीं नहीं नहीं, बताओ ना, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगी, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, बताओ। हीना हीना हीना। बाबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम अपने हाथों से खिलाओगी ना? जाओ हीना के हाथों से ही खा लो। बाबू वो टॉवल दे दो ना। हीना से मांग लो। बाबू ये शूज पिना दो ना। शूज पिना दो? हीना को बोलो ना, वो पिना देगी। बाबू एक कप चाय बना दो ना। हीना को बोल दो, वो चाय बना भी देगी और पिला भी देगी। बेबी सैलरी आ गई। जाओ वो हीना। नहीं, मुझे दो। सैलरी किसके पास जाएगी? मेरे पास आएगी। नहीं नहीं ये हीना के पास जाएगी, तुम उससे ले लो। नहीं नहीं बेबी मुझे दो। हट जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बेबी मायके में तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बाय 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 भाभी बाय। मेरी बीबी मायके चली गई। हे अब तो मैं मजे करूंगा। काजल एक ग्लास पानी लाना। काजल अरे यार अब कौन है? बेबी पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, पानी भी साफ नहीं करते तुम हो ना बेबी साफ करने के लिए। ये लो ये खाओ। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। बेबी ये देखो क्या लगाए क्या लगाए क्या लगाए। ये बात तो सच है, चाहे पति पत्नी कितनी भी लड़ाई कर ले पर वो दूर होने के बाद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।